हेडलाइंस के प्रायोजक है अनवानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदे, लिटिगेशन फ्री जमीन विथ लैंड ऑनर चैटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा में जाम को लेकर सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि लॉकडाउन के बाद बहुत से लोग बाहर से आए हैं, वह यहां ठेला लगाकर अब रोजगार करने लगे हैं। इससे सड़क के किनारे अतिक्रमण होने से जाम अधिक होने लगा है। इसे लेकर के यातायात व्यवस्था सही करने का निर्देश दिया गया है। इसी के तहत एक एएसआई को एसएसपी के द्वारा निलंबित कर दिया गया क्योंकि उसकी कार में लापरवाही देखी गई थी। वहीं लोहिया चौक पर लगातार जाम रहने की वजह से एसएसपी काफी नाराज दिखे थे। कई पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बावजूद टेम्पो चालक भी सड़क पर टेम्पो लगाकर खड़े रहने से जाम हो गई थी। एसएसपी ने 4-5 टेम्पो को जब्त किया था और एएसआई पर कार्रवाई की थी। दरभंगा में आज जाम से निजात देखने को मिली। गौरतलब है कि एक दिन पहले दरभंगा एसएसपी ने सभी थाना को यातायात थाना पुलिस से पैक कर दिया था। सभी थाना क्षेत्र में शांति एवं जाम की निजात दिलाने के लिए थाना प्रभारियों को विशेष आदेश निर्गत किया गया था और एसएसपी के कड़े रुख की वजह से बुधवार को दरभंगा के सड़कों पर जाम नजर नहीं आया और सभी पुलिसकर्मी मुस्तैद नजर आ रहे थे। स्नातक उत्तीर्ण सभी लड़कियों को अब 50,000 एक मुश्त दिए जाएंगे। इसी प्रकार इंटर पास अविवाहित लड़कियों को अब 25,000 दिए जाएंगे। अब तक स्नातक उत्तीर्ण होने पर 25,000 और इंटर पास होने पर अविवाहित लड़कियों को 15,000 रुपए दिए जा रहे थे, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। इसकी अधिसूचना शीघ्र जारी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर 2020-21 में 17 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ होगा। उक्त सूचना देते हुए अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कहा कि सभी महाविद्यालयों को चयनित छात्रों की कन्फर्म सूची संबंधित महाविद्यालयों के डैशबोर्ड पर उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी स्नातकोत्तर विभागों को कन्फर्म चयनित अभ्यर्थियों की सूची की हार्ड कॉपी
16 दिसंबर तक उपलब्ध करा दी जाएगी। पेपर वेरिफिकेशन करने के बाद उपरांत 17 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच नामांकन लिया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए विमान समय पर रवाना हुए। लगातार चौथे दिन सभी विमानों के उड़ान से अधिकारी से लेकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। ज्ञात हो कि सर्दी के मौसम में कुहासे के कारण उड़ान सेवा पर असर पड़ा था। विपरीत मौसम में दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग के लिए आवश्यक यंत्र नहीं रहने के कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी थी। दरभंगा एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण दिसंबर माह में कई दिन विमान सेवा को रद्द करना पड़ा था। भाजपा के दरभंगा विधानसभा क्षेत्र का किसान सम्मेलन सहकारकर्ता धन्यवाद सभा 20 दिसंबर को मिर्जापुर गौशाला परिसर में होगी। इस कार्यक्रम को पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी संबोधित करेंगे। नगर विधायक संजय सरावगी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के निमित्त को स्टेशन रोड स्थित चुनावी कार्यालय में दरभंगा विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक नगर भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण काश्तकर झुंझुनवाला की अध्यक्षता में हुई। दरभंगा के सीएम कॉलेज के सभागार में विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन मानवीय संकाय के हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कॉलेज के सेमिनार हॉल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर की एवं सभी को पुष्प गुच्छ एवं मेमेंटो देकर स्वागत किया गया। आए सभी अतिथियों ने विद्यापति के स्मृति पर अपने अपने बातों को रखा। जिले में कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 4 मरीजों की पहचान की गई। बहेड़ी में 2 मरीज के अलावा बहादुरपुर और डीएमसीएच फ्लू कॉर्नर में एक एक मरीज मिले हैं। दरभंगा के प्रसिद्ध दरगाह हजरत मौलाना सैयद फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम अल मरूफ हुजूर मौलाना समरकंदिया रहमतुल्ला अलैह का 125वां 4 रोजा उर्स पाक खानकाह समरकंदिया में हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार यह उर्स पाक 17 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को खत्म होगा। वहीं कोविड-19 को देखते हुए इस बार उर्स में बाहर के उलमाओं व ज्यारीनों को दरभंगा आने की इजाजत नहीं है। चादर पोशी और मिलाद शरीफ की महफिल के बाद अंतिम दिन भाटियारी सराय स्थित हजरत की दरगाह पर फातिहा और कुल शरीफ के बाद उरूस का समापन होगा। वहीं खानकाह समरकंदिया के सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शमसुल्लाह जान अल मरूफ बाबू हुजूर ने बाहर के लोगों से दरभंगा न आने की अपील की है। यह जानकारी शायर इस्लामी रियाज खान कादरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दी। तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को एक और झटका देते हुए रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की है। 3 दिसंबर को भी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ था। इस तरह 15 दिन के अंदर रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर अब 792 रुपए में मिलेंगे। पहले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर 742.59 रुपए में मिलते थे। वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत भी 36 रुपए बढ़ा दी गई है। महापौर बैजयंती देवी खेड़िया की ओर से भले ही नगर निगम की समान बोर्ड की अगली बैठक की तिथि 21 दिसंबर निर्धारित की गई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक उक्त तिथि को भी बैठक स्थगित होने की पूर्ण संभावना है। इस संबंध में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने बताया कि एनजीटी के सचिव के साथ संभवतः 21 दिसंबर को भी बैठक हो सकती है। उन्होंने कहा कि वे संभावित बैठक की जानकारी महापौर को भी देंगे। इसके बाद अगली बैठक के संबंध में महापौर अंतिम निर्णय लेंगी। चैंबर के प्रधान सचिव विजय कुमार बरोलिया के आकस्मिक निधन पर प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया।
चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेखा ने कहा कि विजय कुमार बरोरिया चैम्बर के संस्थापक प्रधान सचिव रहे हैं और वर्तमान में भी वे प्रधान सचिव थे। चैम्बर को इतनी ऊंचाई पर लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके निधन से चैम्बर को बहुत बड़ी क्षति हुई है। प्रखंड के परमंडल विकास पदाधिकारी अमोल मिश्र को पंचायत स्तरीय आरटीपीएस काउंटर पर अधिकार ऐप की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से यूनियन के विश्वविद्यालय मुख्य प्रवक्ता जयप्रकाश झा ने बताया कि पंचायत स्तरीय आरटीपीएस काउंटर पर अधिकार ऐप नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं तथा महिलाओं को आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसे मूलभूत सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को गया की जीटी रोड से जोड़ने के लिए आसाम दरभंगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का जमीन अधिग्रहण शुरू हो गया है। राज्य के 7 जिले से गुजरने वाली सड़क के लिए 233 गांव में जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। अगले साल मार्च तक इस सड़क के लिए 4 पैकेज का निविदा जारी होगी। सरकार की कोशिश है कि जून 2021 तक इस सड़क का निर्माण शुरू हो जाए। खंडकार संघ व्यवसायी की बैठक प्रभुनाथ गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अलंकार ज्वेलर्स में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर हुई डकैती के खिलाफ बैठक बुलाई गई। आगे इस तरह की घटना ना घट सके इसे लेकर पुलिस प्रशासन से व्यवसायी संघ पेट्रोलिंग बढ़ाने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ डकैती की घटना के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा जांच कहां तक पहुंची और लूटे गए सामानों की रिकवरी कब तक होगी उसकी भी जानकारी प्रशासन से मिलकर व्यवसायी संघ प्राप्त कर रहे हैं। लूट की घटना के बाद व्यवसायी संघ में काफी डर का माहौल अब तक बना हुआ है, जिसे लेकर व्यवसायी संघ बैठक कर फिर से प्रशासन से मिलने की बात भी बता रहे हैं ताकि लूटे गए सामानों की रिकवरी और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। सिविल सर्जन कार्यालय में डीआईओ डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने सभी प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, बीसीएम, आशा एवं सभी पार्टनर एजेंसी के बीएमसी एफएम को 23 से 26 तक चलने वाले विटामिन ए के चक्र की सफलता के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि पहले दिन एवं तीसरे दिन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एवं दूसरे और चौथे दिन घर घर जाकर 9 माह से 5 साल तक के सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। इस चक्र में 6 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।